हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है क्लास में। तो चलिए आज की कहानी और आज का किस्सा शुरू करते हैं। और इस किस्से में 5 से 10 मिनट की क्लास रहेगी, बट रहेगी कुछ खास, कुछ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं और वेबसाइट के बारे में चीज़ों को जानते हैं कि बेसिकली वेबसाइट होती क्या है। अब ऐसी चीज़ है कि अगर हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी स्कूल की बात करें, किसी हॉस्पिटल की बात करें, उनसे रिलेटेड जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है, मतलब मैंने ये 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं, आप इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मान लो मैं आपके स्कूल की बात करती हूँ, आपके स्कूल का नाम है मान लो XYZ, है ना। तो आपके स्कूल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा है कि आपके स्कूल में कितने जो भी फंक्शंस हुए हैं उनकी सारी पिछली फोटोग्राफ्स हो गई, आपके स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में, आपके स्कूल के बारे में, आपके स्कूल के करिकुलम के बारे में, है ना, ये जितनी भी सारी एक इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ पर स्टोर करते हैं? ऑफ कोर्स डेटाबेस पर स्टोर करते हैं, लेकिन हमें इसको देश दुनिया जहान को भी दिखाना है। तो उसके लिए हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस रखते हैं। जैसे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक एग्जाम्पल ले लो कि मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ, कहानी लिख रही हूँ, है ना। तो उसमें मैं एक ही पेज पर तो नहीं, तो मैंने पहला पेज लिखा, मैंने दूसरा पेज लिखा, तीसरा, चौथा, तो ऐसे एक कलेक्शन होकर के पेजेस का क्या बन जाएगा, एक मेरी पूरी किताब बन जाएगी। जैसे आप अपनी कंप्यूटर की किताब का एग्जांपल ले लो, है ना, तो उसमें काफ़ी सारे आपके चैप्टर्स हो गए, तो वो चैप्टर्स पर चैप्टर्स बन बन करके आपकी एक बुक हो गई। वैसे ही मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि जैसे अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बोलूँ, डिजिटल फॉर्म के अंदर बोलूँ, तो हम क्या बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। और वेबसाइट्स कैसे बनती है, जैसे बुक पेजेस का कलेक्शन है, वैसे वेबसाइट्स पेजेस का कलेक्शन है, लेकिन वो कौन से, इलेक्ट्रॉनिक पेजेस, यानी कि जिनको हम वेब पेजेस बोल देते हैं। तो वेब पेजेस के कलेक्शन को ही वेबसाइट है जो बोला है। तो ये जो हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन वाले पेजेस रेडी कर रहे हैं, इनके लिए हम HTML का यूज़ है जो करते हैं बेसिकली। तो जैसे कि मैं मान लीजिए XYZ स्कूल की ही कोई वेबसाइट बना रही हूँ, तो पहला पेज जनरली हमने देखा है होम होता है, फिर मान लो ये गैलरी है, फिर मान लो ये रिजल्ट है या ये कॉन्टैक्ट अस है, कुछ इस तरीके से आपने ये 4-5 पेजेस बना दिए, ठीक है। तो पहला पेज इज़ कॉल्ड द होम पेज। तो आपके पहले पेज के बाद में ये सारे के सारे जो पेज हैं ये आपस में इंटरलिंक हैं, आप इस पेज से यहाँ 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 कहीं भी पहुँच सकते हो, इस पेज से आप बैक कहीं भी पहुँच सकते हो। तो ये सारे के सारे पेजेस क्या हो गए, एकदम कलेक्ट होकर के आपकी एक वेबसाइट है जो बना रहे हैं। तो वेबसाइट अगर बेसिकली देखा जाए, गला ख़राब है, अगर बेसिकली देखा जाए कि बनती क्यों है, बिल्कुल किसी न किसी एक इन्फॉर्मेशन को आपको बताने के लिए। कि जैसे अगर एक XYZ स्कूल है, तो उसके बारे में अगर मुझे जानना है तो मैं उसकी वेबसाइट पर जाऊंगी, उसके बारे में जो भी चीज़ें होंगी तो वो मैं पढ़ूंगी, वहां से मुझे पता चल जाएगा, है ना। ऐसे आप कितनी भी वेबसाइट्स के एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आप अनअकैडमी पर आए और आपने वेब को चेक किया, तो अब आपको चेक करने पर अलग अलग लिंक्स हैं जो उसके ऊपर क्लिक करते 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 आप मेरे तक शायद पहुंचे और आपको चीज़ें हैं जो पता चले, है ना। तो यानी कि वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, किताबी भाषा पढ़ लेते हैं, अ वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस एंड वेब पेजेस आर डिजिटल फाइल्स दैट आर रिटन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अ वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरलिंक्ड वेब पेजेस दैट शेयर ए सिंगल डोमेन नेम। हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, ठीक है। डोमेन नेम इट्स लाइक ए यूनिक नेम, ठीक है। जैसे कि हम अपनी ईमेल आईडी का एग्जांपल ले सकते हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं कि ये दुनिया में यूनिक है, मेरे पास जो मोबाइल नंबर है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं होगा, है ना, नहीं तो उसको नहीं मिल जाएगा। तो यानी कि यूनिक नाम होता है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। आपकी वेबसाइट को एक आईपी एड्रेस मिलता है, आईपी एड्रेस बहुत बड़ा होता है, उसको याद करना इज़ वेरी टफ, तो उसके लिए हमने डोमेन नेम से उनके रख दिए। तो जैसे कि अगर मेरा स्कूल XYZ है, तो मैंने उसका नाम वेबसाइट का XYZ ही रख दिया, है ना। तो इसमें क्या होगा, जितने भी पेज होंगे ना, वो आपस में क्या होंगे, आपस में इंटरलिंक होंगे सारे के सारे। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे, तो उसमें पहले पर होम लिखा है, तो होम पर क्लिक करते ही आप होम पर हो, लेकिन आपने जैसे गैलरी पर किया, आप दूसरे वेब पेज पर जो है चले गए। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है, वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल, ग्रुप, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। बिल्कुल आप किसी से बनवा भी सकते हो, आपको खुद को आती है तो आप बना लो, है ना, नहीं तो हम किसी से बनवाएंगे, बट बनवाना इज़ नॉट द मकसद। यानी कि बनवाने के बाद में हमें उसको जो है सर्वर के ऊपर अपलोड करना पड़ता है, ताकि क्या होगा कि देश दुनिया जहान जो आपने वेबसाइट बनाई है वो उसको कभी भी देख पाए,
है ना, तो उसको सर्वर पर हमें क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। तो बेसिकली जैसे कि अगर आपको अभी सीबीएसई की वेबसाइट पर कोई काम है, तो आपने इसका डोमेन नेम है जो डाला cbse.government.in, तो जैसे ही ये ओपन हो गया तो यहाँ पर देखो ये सारे हाइपर लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही आप जाओगे तो आपको ऐसे हैंड वाला सा शो है जो यहाँ पर करेगा, है ना। तो आप जैसे ही मान लो आपने इसको क्लिक किया तो आप रिजल्ट वाले वेब पेज पर पहुंच गए। मे बी है ये आपकी वेबसाइट्स भी हैं, तो इसमें हर वेबसाइट्स के ही मतलब एक अम्ब्रेला है जिसको cbse.government.in बोला है, उसके अंडर में काफ़ी सारी और वेबसाइट्स भी हैं जो आपके पास आ रही हैं। तो यहीं से आप क्लिक करते ही इन हाइपर लिंक्स पर आप इन वेबसाइट्स पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने मुख्य मेन वेबसाइट पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर पहुँच रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर भी देखो कितने सारे वेब पेजेस हैं, तो वेब पेजेस का ही कलेक्शन क्या हो गया, दैट इज़ योर वेबसाइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप ऐसे एक पेज से दूसरे पेज पर पहुंच सकते हो। तो वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेस एंड वेब पेजेस आर डिजिटल फाइल दैट आर रिटन यूजिंग HTML, जिसको आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हो। पहला जो वेब पेज कह सकते हो टिम बर्नर ली नाम के जो शख्स हैं उन्होंने डेवलप किया था। द पेजेस विद इन अ वेबसाइट आर यूजली अ मिक्स ऑफ टेक्स्ट एंड अदर मीडिया, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन करते हो, लेट सपोज यू आर ओपनिंग दिस, तो इसमें देखिए टेक्स्ट भी है, इसमें फोटोज भी हैं, है ना। तो ये मिक्सअप सा हो गया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई, टेक्स्ट भी मिक्स हो गया, इसमें कुछ फोटोज वगैरह भी मिक्स है जो हो गई। अब ये आगे चल करके कहता है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ मैंने उसको देख लिया, नहीं तो पता नहीं, मेरे को अभी चेक करना पड़ेगा, दोबारा तो नहीं बनाएंगे लेक्चर। ओके, कहता है कि वेबसाइट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय एंटरिंग इट्स URL एड्रेस, क्योंकि हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होगा, ठीक है। आप जिस भी पेज पर जाएंगे उसका एक URL निकलेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसका एक एड्रेस होगा पर्टिकुलर, वो दुनिया में उसी का होगा। जैसे URL इज़ लाइक आपका एड्रेस है, जो जैसे मुझे आपको कोई चिट्ठी भेजनी है तो मैं आपका एड्रेस लिख करके भेजूंगी उस पर, तो अब वो आप ही के पास पहुंचेगी, दैट इज़ दुनिया में यूनिक। वैसे ही URL भी है ना। तो आप इसको क्या करते हो, किसी भी सर्च इंजन को ओपन करते हो, जैसे गूगल या बिंग, आप टाइप करते हो और आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, है ना। टू मेक योर वेबसाइट अवेलेबल टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इट मस्ट बी स्टोर्ड और होस्टेड ऑन अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट राउंड अ क्लॉक। सच कंप्यूटर्स आर नॉन एज वेब सर्वर। देखिए हम वेब सर्वर उन कंप्यूटर्स को बोलते हैं कि जैसे मैंने एक वेबसाइट बना ली, अब मैं चाहती हूँ कि देश दुनिया जहान उस वेबसाइट को है जो देखे। अब वो देखे तो वो कैसे देखे, तो मुझे इसको किसी एक सर्वर के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा, वेब सर्वर पर। तो बिल्कुल वेब सर्वर पर अगर मैं इसको अपलोड कर दूंगी तो बहुत सारी कंपनीज है जो आपको ये वेब होस्ट मतलब होस्ट करवाना पड़ेगा। तो वेब होस्टिंग की काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं वो आपको ये एक कह लीजिए एक जो है फीचर प्रोवाइड करती हैं, या फिर एक सर्विस है जो आपको देती हैं कि आपने वेबसाइट बना ली, अब आप उसको लोड कर दो, अपलोड कर दो सर्वर के ऊपर। अब देश दुनिया जहान में कोई किसी को 4 बजे तुम्हारी वेबसाइट ओपन करनी है, वो सुबह के 4 बजे, शाम को 4 बजे, कभी भी ओपन करेंगे आपकी वेबसाइट उसको दिखेगी, है ना। सो द वेब सर्वर इज ए सेट ऑफ फाइल्स ट्रांसमिटेड टू यूजर कंप्यूटर व्हेन दे स्पेसिफाई द वेबसाइट्स एड्रेस। अगर मान लीजिए मैं अपने कंप्यूटर पर हूँ, मैंने वेब ब्राउज़र ओपन करके मैंने एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट की, ये सर्वर पर गया, वहाँ पर देखा कि अच्छा इस वेबसाइट की रिक्वेस्ट आ रही है, वापस आपके पास रिस्पॉन्स आएगा और आपके वेब ब्राउज़र पर वो डिस्प्ले होने लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास में जो वेबसाइट्स होती हैं वो कुछ दो तरीके की होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। टिक से बेसिकली आपका मतलब ये निकल करके आता है कि जो अपने आप में चेंज नहीं करती हैं, जैसे आपने इसकी रिक्वेस्ट की तो सर्वर ने जैसे ही इसके इसको आपके सामने डिस्प्ले किया, तो अगर आपने 2 साल पहले इस वेबसाइट को ओपन किया था तो जो इन्फॉर्मेशन जैसे आ रही है एज इट इज़ वो अभी भी आपको दिखाई दे रही है। सो नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट आपने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने आपको वही वेबसाइट है जो डिस्प्ले करा दी, नो चेंज, कुछ भी नहीं, स्टैटिक कहलाती है, ठीक है। इसमें आपका कोई डेटाबेस वगैरह होता नहीं है। लेकिन डायनेमिक की अगर आप बात करते हो तो जैसे आजकल की वेबसाइट्स आपकी डायनेमिक हो गई हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई क्रिकेट की वेबसाइट ओपन करनी, क्रिकेट का मान लो स्कोर देखना, तो आपको नहीं पता क्या कि कुछ इस तरीके से होता है कि भाई ये वाला ओवर है जो अभी चल रहा है, आपको बॉलर भी दिखाएगा कि हाँ ये वाला बॉलर है जो अभी बॉल फेंकने वाला है, तो डायनेमिकली उसमें चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने काफ़ी बार कुछ स्कूल्स की वेबसाइट ओपन की होगी तो उस पर क्या होता है कि रोज़ ही किसी न किसी बच्चे का बर्थडे
डिस्प्ले होता है कि मतलब इसकी फोटोज के पीछे बलून से होते हैं, है ना। तो वो क्या, वो सारे डायनेमिक वेबसाइट्स के एग्जांपल्स हैं। आपने डेटाबेस में चेंज किया, वो आपको हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। सो डायनेमिक वेबसाइट वेब पेजेस आर रिटर्न्ड बाय द सर्वर विच इज प्रोसेस्ड ड्यूरिंग रन टाइम, मीन्स दे आर नॉट प्री बिल्ट इन, पहले से बने बनाए नहीं है, बट दे आर बिल्ट ड्यूरिंग रन टाइम अकॉर्डिंग टू द यूजर्स डिमांड विद द हेल्प ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे कि PHP या Node.js वगैरह के थ्रू है, ASP.NET वगैरह के थ्रू इनको बनाया जाता है, या फिर ये सपोर्ट है जो बेसिकली करती हैं, ठीक है। सो दे आर स्लोअर देन स्टैटिक वेबसाइट, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट में क्या है, वही इन्फॉर्मेशन है जो आपको फटाफट से डिस्प्ले हो जाएगी, बट इसमें डायनेमिक थोड़ा सा बिल्कुल जो है स्लो होगा, क्योंकि टाइम लगेगा, डायनेमिकली रन हो रहा है, है ना। तो कहता है कि बट अपडेट एंड इंटरेक्शन विद डेटाबेस आर पॉसिबल। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप स्टैटिक की बात करते हो तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल आप उसके अंदर चेंज है जो कर सकते हो, लेकिन वो आपके पास नहीं, जिसने उसको बनाया है ना, तो आप उसको बंदे के पास आपको जाना पड़ेगा और आप उसको कहोगे तो फिर वो आपका स्टैटिकली जो चेंज है उसमें कोडिंग के अंदर या जो भी चेंज है वो करेगा, तब आपको वो रिफ्लेक्ट है जो होगा। लेकिन डायनेमिक के अंदर ये अथॉरिटी कुछ आपके हाथ में हो जाती है कि अगर आप फोटोज अपलोड कर रहे हो तो आपको वो फोटोज डिस्प्ले हो जाएंगी, है ना। तो मतलब ये डायनेमिकली है, चेंज होता रहता है, स्टैटिक के अंदर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक की अगर हम बात करते हैं, तो डायनेमिक में आपके पास एक डेटाबेस है जो आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप रिक्वेस्ट करते हो आपके सर्वर से, अगर आपने यहाँ चेंज कर दिया तो आपको सब जगह दिखाई देगा, बट यहाँ से सर्वर से जस्ट रिक्वेस्ट आ रही है और वही चीज़ आपको डिस्प्ले हो रही है, देयर इज नो चेंज, राइट। ओके, तो अगली क्लास में हम वेब पेज और वेबसाइट के बीच में एक अंतर को जानेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो इसलिए बाय बाय बोलते हैं, ठीक है गाइज। यस, चैनल को ज़रूर है जो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।